तो बात करेंगे अब झारखंड की। झारखंड में एक तरफ आजसू ने आंदोलन छेड़ दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शाहनवाज, जिस तरह से नियोजन नीति में बदलाव की खबरें आई नियोजन नीति को लेकर, लेकिन कहीं से किसी ने इसे आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन छात्रों का गुस्सा भड़कता दिखाई दे रहा है, आखिर क्या कुछ कहना है छात्रों का? देखिए, सीधे सीधे छात्र इस बात का इल्ज़ाम जो है वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर लगा रहे हैं कि सरकार जो नियोजन नीति बनाती है पहले वो हाईकोर्ट में रद्द हो जाता है, और अब जो बदलाव करने जा रही है वो सीधे सीधे झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों के खिलाफ जा रहा है। क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसके मुताबिक कि पुरानी नियोजन नीति को लेकर ही सरकार आगे बढ़ना चाहती है, जिसमें जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को तवज्जो नहीं दी गई है। उसमें साफ साफ ये भी मेंशन है कि जो स्थानीय जो भाषा संस्कृति कल्चर ये जानने की जो बाध्यता है कंपल्शन है वो ख़त्म कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस बात से तमाम जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के जो विद्यार्थी हैं वो सड़कों पर हैं, और आज शाम को विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा मुख्यमंत्री का और मुख्य सचिव का पुतला दहन भी किया गया, और इस बात की मांग की गई है कि सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाए जो कहीं कहीं झारखंड के सेंटिमेंट के खिलाफ हो। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही जब शीतकालीन सत्र चल रहा था उस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर हो या सदन के बाहर इस बात का भरोसा दिलाया था कि हम जल्दी एक वैकल्पिक व्यवस्था लेकर आ रहे हैं। अब छात्र पूछ रहे हैं कि यह कैसी वैकल्पिक व्यवस्था है जिसमें झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों को हटा दिया जा रहा, उसे दरकिनार कर दिया जा रहा। लिहाजा जाहिर सी बात है इसका आक्रोश और इसका गुस्सा जो है वो फूटना था, और वो छात्रों को आज कहीं ना कहीं वो सड़कों पर नजर भी आया। खास करके जो रांची यूनिवर्सिटी के छात्र हों DSPMU के छात्र हों, ये छात्र कहीं ना कहीं नाराज़ ज़्यादा नज़र आए हैं, चूँकि सीधे सीधे ये सरकार की गतिविधियों से रिलेटेड रहते हैं, सरकार की गतिविधियों को बड़ी बारीक नज़र रखते हैं। इन लोगों का साफ ये भी कहना है कि सरकार जल्द से जल्द अपनी स्टैंड को अपने जो उनका स्टैंड है उसको क्लियर करना चाहिए, और ये किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों का जो जुड़ाव है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के साथ वो जुड़ाव किसी भी सूरत में कम नहीं होगा। अगर उनके भाषा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ होता है तो जाहिर सी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। छात्रों ने यहां तक कहा कि आप जो भी भाषा जोड़नी हो जोड़िए, उससे किसी भी छात्र को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के साथ कहीं भी दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं होना चाहिए। लिहाजा अब कहीं ना कहीं छात्रों का आक्रोश बढ़ा है, लेकिन आपने ये बिल्कुल सही कहा कि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी कहीं से भी नहीं हुई है कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन कल जिस तरह से मुख्य सचिव के साथ तमाम विभागाध्यक्षों की बैठक हुई है उसमें इस मुद्दे पर गहन चिंतन मनन किया गया है, और कहीं ना कहीं इस बात का दबाव और कंपल्शन है कि सरकार जल्द से जल्द नीति हो या नियोजन नीति हो उसको लेकर कहीं का अमली जामा पहनाना चाहती है। लिहाजा जल्दबाजी में सरकार कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब से देखने वाली बात यह होगी कि जो गलतियां पहले हो चुकी हैं क्या वो गलतियां फिर से दोहराई जा रही हैं। अगर नहीं दोहराई जा रही हैं तो कम से कम छात्रों को भरोसे में लेने की जरूरत है, और छात्रों को ये स्पष्ट कर देने की जरूरत है, क्योंकि नियोजन नीति तो आप उन्हीं के लिए बना रहे हैं। अगर वही जो पशुपेश की हालत में रहेंगे परेशान रहेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार का अगर कोई भी कदम उठाएगी तो उससे कहीं ना कहीं नाइतफाकी पैदा होगी, जो इन दोनों देखने को मिल रही है। अब देखने वाली ये होती बात होती है कि क्या विभागों की तरफ से या किसी प्रधान सचिव की तरफ से या फिर किसी मुख्य सचिव की तरफ से या कि सरकार के किसी भी अंग की तरफ से इस बात का स्पष्टीकरण आता है कि नहीं कि जो नई नियोजन नीति बनाने जा रही है उसका खाका क्या होगा, क्या पुरानी नियोजन नीति को ही अप्लाई किया जाएगा या कुछ या उसमें कुछ ऐड ऑन किया जाएगा। जी बिल्कुल, भाषाओं को लेकर पेच फंसा था और इसके साथ समानता के अधिकार को लेकर अदालत की तरफ से आपत्ति जताई गई थी, जिस पर लगातार छात्रों का गुस्सा भी इसी बात पर उबाल पे है कि आखिर ऐसी नियोजन नीति लाई क्यों गई। तो अब ऐसा लगता है कि बजट सत्र के दौरान या बजट सत्र से पहले भी सरकार कोई मसौदा तैयार कर छात्रों के सामने रख सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए कोशिश तो यही है। पिछले दिनों खुद जो JMM के वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने प्रेस वार्ता में साफ साफ कहा था कि सरकार इस बात के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि बजट सत्र यानी फरवरी मास से पहले पहले जो इसका खाका है उसे कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच लाया जाए, और सत्र से पहले पहले इस बात को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की दिशा में सरकार बढ़ती हुई नज़र आएगी। और वही कहीं ना कहीं वो कवायद है वो कहीं ना कहीं अब नज़र आने लगी है, जिस तरह से मुख्य सचिव के साथ तमाम विभागाध्यक्षों की बैठक हुई है। लेकिन ठीक है, आप जल्दबाजी में कदम उठा रहे हैं, जो कमिटमेंट आपने किया था उस कमिटमेंट की दिशा में आप बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो जिससे झारखंड के सेंटीमेंट को हर्ट करता हो। और जाहिर सी बात है जो जनजातीय भाषा की बात करें या क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें वो सीधे सीधे आदिवासियों और मूलवासियों से जुड़ा हुआ विषय है, ये चीज़ अगर डिस्टर्ब होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सेंटीमेंट हर्ट होता है और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। जी चलिए शाहनवाज, देखने वाली बात यह होगी कि सरकार आगे कौन सा कदम उठाती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।